बुधवार को मुंबई के प्रेस्टिजियस वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की स्टैचू को अनवेल्ड किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीसीसीआई सचिव जय शाह, बीसीसीआई कोषाध्यक्ष आशीष शेलार और सचिन तेंदुलकर कल स्टैचू का अनवेल्ड करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद रहे थे। सचिन तेंदुलकर की स्टैचू में उन्हें अपना एक प्रेस्टिजियस शॉट खेलते हुए दिखाया गया है और इसे सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बगल में रखा गया है। इस स्टैचू को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चित्रकार और मूर्तिकार प्रमोद कामले ने बनाया है। समारोह के दौरान तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ मौजूद थे। 2009 में जब तेंदुलकर 36 वर्ष के हुए तो प्रसिद्ध मैडम तुषाद ने उनकी मोम की स्टैचू स्थापित करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर को व्यापक रूप से इस खेल के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक माना जाता है, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बल्लेबाज के रूप में रिटायर हुए। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने इसी मैदान पर अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहा था। उनके टेस्ट करियर का यहाँ 200वां टेस्ट मुकाबला भी था। इस मुकाबले में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 74 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और भारत यहाँ मुकाबला 126 रन से अपने नाम करने में कामयाब हुआ था। वही बल्लेबाजी के दौरान वह टेस्ट की 145 पारियों में 54 की औसत से 46 विकेट, वनडे की 270 पारियों में 44.48 की औसत से 154 विकेट और T20 की एक पारी में एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे। नवंबर 2013 में दो मैच की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 10 साल बाद सचिन तेंदुलकर की स्टैचू उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की गई। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को भी सब्सक्राइब करें।